अभी हम आए हैं महाराणा प्रताप का स्टैचू देखने, जो कि है हल्दी घाटी में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सट्रीम एडवेंचर इंडिया में। आज हमारा डे 3 है, हम हैं कुंभलगढ़ में और हम जा रहे हैं आज हल्दी घाटी, जो कि है यहां से लगभग 42 किलोमीटर पे, और उसके अलावा हम जाएंगे उदयपुर को और वो है लगभग 40 किलोमीटर हल्दी घाटी से। तो आज हम दोनों डेस्टिनेशन कवर करेंगे और टोटल हमारा अप डाउन लगभग 180 किलोमीटर का हो जाए और हम शाम तक वापसी कुंभलगढ़ में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा 3 नाइट का स्टे है कुंभलगढ़ में। तो सबसे पहले हम आज एक्सप्लोर करेंगे हल्दी घाटी, जो कि आपको पता है महाराणा प्रताप ने यहाँ पे बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा था अकबर से। हल्दी घाटी, हम वहाँ जाके आपको पूरे हल्दी घाटी के बारे में बताएंगे। वहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं जो भी है हल्दी घाटी की, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा हम उदयपुर जाएंगे, वहाँ पे अपना जो पिछोला लेक है वहाँ पे जाएंगे, बोटिंग अगर शुरू होगी तो बोटिंग भी करेंगे और एक्सप्लोर करके हम आज ही वापसी आ जाएंगे। तो अभी जो हमारी जर्नी है 42 किलोमीटर की है और ये जो अरावली के पहाड़ हैं उसके बीच से हम निकलेंगे, जंगलों से निकलेंगे, क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल एकांत रास्ता है तो अंदर के रास्ते से बहुत ही ब्यूटी नजर आएगी। तो हम सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो दोस्तों बड़े ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी नया मेरा व्यूअर्स है तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखते रहिए मेरे वीडियो लास्ट तक का। ब्यूटीफुल व्यू, ये दोस्तों सारी अरावली के पर्वतमाला है, ये पूरा अरावली के पहाड़ है और ये पहाड़ों के बीच से बहुत ही खूबसूरत रास्ता। रोड ट्रिप का यही मज़ा है, बहुत ही शानदार, और बाइक ट्रिप हो तो सुभान अल्लाह, एक एक चीज़ आपके आंखों के अंदर से होके गुजरती है, एक एक धूल, एक एक कण, बहुत क्लोजली हर चीज़ दिखाई देती है, बहुत ही शानदार। अभी हम हल्दी घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कुंभलगढ़ से हल्दी घाटी का रास्ता जा रहा है। हल्दी घाटी के लिए 3 रास्ते थे तो गूगल भाई ने बताया ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है, लेकिन प्यारा लोकेशन बहुत प्यारी है। ब्यूटीफुल। और अभी हमें मोर देन 1 आवर लगने वाला है हल्दी घाटी के लिए, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे उदयपुर की तरफ। और ये देखिए चारों तरफ पहाड़, अरावली के पहाड़। दोस्तों अभी जो हल्दी घाटी का डिस्टेंस रह गया है वो है लगभग 12 किलोमीटर और हम लगभग 15 या 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे जो हम एक्सप्लोर करेंगे जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहाँ की, रक्तलाई, हल्दी घाटी का दर्रा और महाराणा प्रताप की गुफा और चेतक की समाधि स्थल, और है महाराणा प्रताप का स्टैचू और महाराणा प्रताप का म्यूजियम। मेनली यही सभी अट्रैक्शन है वहाँ पे हल्दी घाटी में देखने के लिए। तो ये सभी एक ही हाईवे पे विद इन 5-6 किलोमीटर में आपको देखने को मिल जाएंगी, आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं हल्दी घाटी की तरफ। दोस्तों यहाँ से हल्दी घाटी की दूरी है 6 किलोमीटर और आधे किलोमीटर बाद खमनौर मिले जाता है, जहाँ पे आप रक्तलाई जो कि एक ऐतिहासिक तालाब है वो देख सकते हैं, लेकिन वो अब कन्वर्ट हो चुका है एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में, और वहाँ पे समाधि स्थल भी बनाए गए हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो ये जो खमनौर का मैदान था यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, और उसके बाद जो हल्दी घाटी बलीचा गाँव है हल्दी घाटी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी पूरा पहाड़ी एरिया है और खमनौर पूरा मैदान एरिया है। अकबर की सेना जब हल्दी घाटी में पहुंच गई थी दर्रा क्रॉस करके, तो महाराणा प्रताप ने बहुत ही शानदार युद्ध लड़ा था और उनको पीछे हटने पे मजबूर कर दिया था, और उस 1-2 घंटे में बहुत ही हजारों सैनिक मर गए थे। जून का महीना था और बारिश इतनी ज्यादा थी कि एक नाला बहने लगा, खून की नदी का नाला, और वो सारा पानी आके इस खमनौर में एक तालाब में आके इकट्ठा हो गया और ये पूरा लाल हो गया था, जिसको रक्त तलाई कहा जाता है। तो अब
इसके बाद हम जाएंगे जो हल्दी घाटी का दर्रा है, जिसको देखेंगे, वहाँ एक फोटोग्राफी भी करेंगे। दोस्तों यहाँ से हल्दी घाटी की दूरी जस्ट 1 किलोमीटर रह गई है, ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। और आप दोनों तरफ देख रहे होंगे बिल्कुल पीली पीली मिट्टी, हल्दी की तरह मिट्टी दिखाई देने लगी है। और अब हम दर्रे को क्रॉस करेंगे जो कि माउंटेन पास भी कहते हैं अरावली का, और ये हल्दी घाटी यहाँ से शुरू हो जाती है। ये असली दर्रा ये नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ने बनाया है सड़क निकालने के लिए। ये देखिए दोनों तरफ हल्दी की तरह बिल्कुल, कितना शानदार है ये दर्रा। यहाँ पे अब हम फोटोग्राफी करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। मैं बताऊंगा ये असली दर्रा नहीं है, इसका असली दर्रे के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, जो कि आजकल शायद बंद कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे फोटोग्राफी करेंगे। तो अभी हम हल्दी घाटी के दर्रे पे खड़े हैं, ये एंट्री है। ये पूरा पहाड़ देखो हल्दी की तरह है, बिल्कुल पीला है पहाड़। और ये दोनों तरफ यहाँ पे फोटोग्राफी पॉइंट है एक तरह का, यहाँ सभी लोग फोटोग्राफी करते हैं। ये एंट्री है मेन हल्दी घाटी की एंट्री है, और इसके बाद आगे जाके आपको चेतक की समाधि मिलेगी और महाराणा प्रताप का स्टैचू मिलेगा और महाराणा प्रताप का म्यूजियम। दोस्तों बहुत ही शानदार दर्रा है ये, लेकिन हम आगे जाएंगे थोड़ा, उसके बाद आपको असली दर्रा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टूरिस्ट के लिए बिल्कुल बंद कर रखा है, ड्यू टू वहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी होते हैं और वहाँ कुछ देख रेख करने वाला भी नहीं है। तो हम यहीं से ही अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये मेरे राइट हैंड पे आ गया है, ये जहाँ बोर्ड लगे हुए हैं ये है असली दर्रे का रास्ता, यहाँ से हम जा सकते हैं राइट हैंड से असली दर्रा देखने, लेकिन वो बिल्कुल बंद कर रखा है। तो दोस्तों चलते हैं महाराणा प्रताप की गुफा देखने, जो पास में आधा किलोमीटर आगे है। तो अभी आपने देखा जो असली दर्रे का रास्ता वो गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है ड्यू टू सेफ्टी रीजन, और जो हम देख के आए हैं वो नया रास्ता बनाया है गवर्नमेंट ने, और लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी हम देखेंगे महाराणा प्रताप की गुफा, और वो लगभग 35-36 किलोमीटर लंबी गुफा थी, लेकिन वो अब ड्यू टू सेफ्टी रीजन वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दी है। तो वहाँ पर एक वाटरफॉल भी चलता रहता है 12 महीने तक कंटिन्यू, वहाँ पे पानी आता था, एक छोटा सा वाटरफॉल भी है और गुफा भी देखेंगे हम। और दोस्तों ये है महाराणा प्रताप की गुफा, और ये जो गुफा है, जब महाराणा प्रताप युद्ध में घायल हो गए थे हल्दी घाटी के युद्ध में, तब महाराणा प्रताप ने इस गुफा में शरण ली थी। तो काफ़ी समय इस गुफा में महाराणा प्रताप ने बिताया था, और ये गुफा लगभग 35-36 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन यहाँ इस गवर्नमेंट ने इसके आगे जाके बंद कर दिया है इस गुफा को, ताकि कोई घटना ना घट जाए। इसके अलावा इस गुफा के बाहर एक मंदिर भी है, तो लोग यहाँ मंदिर देखने भी आते हैं, प्लस ये गुफा भी है महाराणा प्रताप की। और इसके अलावा एक झरना भी है, ये देखिए यहाँ 12 महीने पानी बहता रहता है, और पीने के और नहाने के काम आता है यहाँ। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, अब हम जा रहे हैं चेतक समाधि देखने और साथ में महाराणा प्रताप का स्टैचू, जो दोनों ही आसपास हैं। जो चेतक समाधि है वो जहाँ पे चेतक को दफनाया गया था, तो महाराणा प्रताप ने वहाँ पे समाधि चेतक की बना दी थी। साथ में शिवलिंग का मंदिर भी है, और वो 500 साल पुराना मंदिर है, तो हम मंदिर के भी दर्शन करेंगे, साथ में महाराणा प्रताप का स्टैचू भी देखेंगे। दोस्तों अभी हम हैं हल्दी घाटी में, और पहले हम देखे हैं चेतक की समाधि, जहाँ पे चेतक को दफनाया गया था। चेतक तो आप सभी को पता ही होगा कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था, और जिसने महाराणा प्रताप की जान बचाई थी एक नाले को कूद के, और जिसमें उसको घायल हो गया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। ये पीछे है हमारे चेतक स्मारक, एक पांव से घायल होने के बाद भी साहसिक चेता अपने स्वामी महाराणा प्रताप को संकट की स्थिति में रक्तलाई से हल्दी घाटी के इस पार सुरक्षित ले आया था, और अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंतिम नाले को लागते हुए चेतक लड़खड़ाकर गिर गया और इसके प्राण पैरों उड़ गए। तो यहाँ पे आगे इसको दफनाया गया था,
बच्चे तक को। मैं दिखा देता हूँ आपको चारों तरफ। ये है चेतक की समाधि और चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत ये ग्राउंड है। और ये 1576 में इस शिव मंदिर को बनाया गया था, लेकिन शिव जो लिंग है वो उससे पहले का है। मंदिर का शेप दिए गई 1576 में। और यहाँ पे जब भी महाराणा प्रताप लड़ाई करने जाते थे तो यहाँ पे आके पूजा करते थे। और नंदी भी है जो 1576 की है, लेकिन मुगलों ने उसको तोड़ दिया। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है दोस्तों शिवलिंग, बहुत पुराना शिवलिंग है। और ये नंदी है, पीछे वाली नंदी जो बहुत पुरानी है, जो मुगलों ने तोड़ दी थी। तो ये हमने देखा शिव जी का मंदिर। तो अभी हम जाएंगे ऊपर जो महाराणा प्रताप का स्टैचू है उसको देखने, और जहाँ से चेतक कूदा था उस नाले पे जहाँ से कूदा था। अभी हम आए हैं महाराणा प्रताप का स्टैचू देखने, जो कि है हल्दी घाटी में। बहुत ही वीर राजा थे महाराणा प्रताप, और अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों के सामने कभी सरेंडर नहीं किया और अंत तक अपने आखिरी समय तक लड़ते रहे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी हाइट पे बनाया हुआ ये है मेरे पीछे। ये स्मारक है महाराणा प्रताप का। ये महाराणा स्मारक है जो स्टैचू है, उसकी एंट्री गेट है सामने। यहाँ से पूरा आके ये ऊपर जाना पड़ता है। और ये व्यू देख रहे हो, हल्दी घाटी का व्यू है चारों तरफ का, बहुत ही शानदार है व्यू। और ये जो स्मारक है सबसे ऊंचाई पे है। ये मेरे पीछे है महाराणा प्रताप का स्टैचू, और ये मेरे राइट हैंड पे ये सारा हल्दी घाटी का व्यू, और ये अरावली हिल्स सारी। बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये पीछे की तरफ है, यह नाला है जिस पे चेतक कूदा था, जहाँ महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। ट्राई करेंगे अगर हम वहाँ हम जा सकें तो वहाँ होके आते हैं एक बार। दोस्तों एट लास्ट हमने आज हल्दी घाटी को एक्सप्लोर कर लिया है, और बहुत ही शानदार इतिहास जान के मज़ा आ गया है। और आई फील कि आप सभी को भी बहुत अच्छा ब्लॉग लगा होगा हल्दी घाटी का इतिहास जान के। तो आप भी एक बार ज़रूर इस जगह को एक्सप्लोर करना, और कोई भी आपको बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकता है, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी। और अभी एक चीज़ हमारी रह गई है, वो नाला जहाँ से चेतक ने जंप मारा था, लेकिन वहाँ पे बाइक नहीं जाती है। तो लोकल ने बताया कि वहाँ पे कांटे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करेंगे आपको दिखाने की वो नाला भी। दोस्तों ये वो पूरा नाला है जहाँ से चेतक ने जंप करके इस तरफ आया था और महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। और चेतक को एक टांग उस टाइम जख्मी थी जिस टाइम जंप मारा, और जंप मारते ही वो गिर पड़े। चेतक गिर पड़ा था और उसके प्राण पखेरु निकल गए थे। और जहाँ चेतक की समाधि है वहाँ पे उसको दफनाया गया था। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताना, और लाइक ज़रूर करना, और साथ में जो भी मेरा कोई नया व्यूज हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।